इम्तियाज़ जलील ने एक आह्वान किया कि 23 सितंबर को वो मुंबई जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले गिरी के ख़िलाफ़ वो मुंबई में जाकर के प्रोटेस्ट करेंगे, ज्ञापन देंगे और ये मांग करेंगे कि उसको गिरफ़्तार किया जाए। ये एक छोटी सी उनकी अपील थी और उसका नतीजा ये निकला कि एक जम्मे गफीर, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, पूरा हाईवे जाम, 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ और इससे 3-4 गुना लोग पैदल उनके काफ़िले में चलते हुए नज़र आए, जिससे महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस के हाथ पैर फूल गए और उन्होंने नाकाबंदी कर दी मुंबई की कि मुंबई में किसी तरह से इनको दाखिल ना होने दिया जाए। और जब मुसलमानों का ये आह्वान उन नेताओं तक पहुंचा जो इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए थे, तो वो भी कहीं ना कहीं सक्रिय हुए, विपक्ष के नेता, और उन्होंने लेटर लिख करके मांग की है कि गुस्ताख़े रसूल को गिरफ़्तार किया जाए। ये एक बड़ी कामयाबी माना जा सकता है मजलिस की, कि एक तो पूरे देश में ये मैसेज गया कि किस तरह से हेट स्पीच वाले को महाराष्ट्र सरकार, बीजेपी सरकार बचा रही है, उसको गिरफ़्तार नहीं कर रही। मुसलमान अगर सोशल मीडिया पर भी कोई पोस्ट डालता है तो वो गिरफ़्तार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो मुसलमानों को सबक सिखाने की बात करता है नीतीश राणा जैसा नेता और गुस्ताख रसूल, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये बात पूरी दुनिया को मालूम चली कि किस तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है, दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये विधायक भी सक्रिय हुए और उन्होंने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री को और ये कहा है कि इसको गिरफ़्तार किया जाए, गुस्ताख रसूल को, जिसमें शरद पवार गुट के मुख्यमंत्री के नेता हैं बीड़ विधायक संदीप क्षीरसागर और गेवराई विधायक लक्ष्मण पवार, ये दोनों, इन दोनों ने जो है मुख्यमंत्री को ख़त लिखा है, आप टीवी स्क्रीन पर इनके लेटर देख सकते हैं। उन्होंने मांग की है कि गुस्ताख रसूल को गिरफ़्तार किया जाए। इसके अलावा एक और घटना घटी है इससे जुड़ी हुई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कुछ लोग लौट रहे थे अपनी गाड़ियों से अकेले, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई, मामला मुंबरा का बताया जा रहा है, शिष्ट फाटा पर बीट के भाई जो बहुत सारे लोग हैं जो रैली करके वापस जा रहे थे, तो कुछ हिंदूवादी संगठनों ने उनकी जो गाड़ियां ख़राब हुई थी उन पर पत्थरबाजी की, उनको उनके साथ तोड़फोड़ की और गाड़ी में जो बैठे हुए लोग थे उन पर हमला कर दिया। 100 से 150 गुंडे थे, उनके ऊपर हमला किया गया। इस हमले में 4 नौजवान ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, तो जिसको लेकर के जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए, गुंडों के ज़रिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इन पर भी नहीं की गई है।